दुनिया भर में गूगल और यूट्यूब सेवाएं अचानक बाधित, जीमेल काम ना करने से बड़े पैमाने पर परेशान हुए लोग। किसान आंदोलन के 19वें दिन देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। दिन भर के अनशन के बाद किसान संगठनों की दो टूक, जब तक वापस नहीं होते कानून तब तक नहीं खत्म होगा प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कुछ किसान नेताओं की मुलाकात। कृषि कानूनों को समर्थन देने का किया ऐलान। किसान संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि अनजान संगठनों के जरिए भ्रम फैला रही है सरकार। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसान आंदोलन में सक्रिय हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग, किसानों का सम्मान लेकिन सख्ती से निपटेगी सरकार। किसान नेता बयान से खफा। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी किया कृषि कानून का विरोध, कहा एमएसपी को दिया जाए वैधानिक दर्जा। 1975 में लागू किए गए आपातकाल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, कहा होगा विचार कि क्या 45 साल वैधता का परीक्षण व्यवहारिक है या नहीं। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। 1775 वार्डों में सबसे ज्यादा पर 620 कांग्रेस तो 595 पर निर्दलियों ने दर्ज की जीत। महज 548 वार्ड जीतकर तीसरे स्थान पर लुढ़की भाजपा। और हरियाणा के नौलखा में अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड को 100 एकड़ जमीन दिए जाने के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस का आरोप, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही लाया गया कृषि कानून।